नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी फ्राई मिर्ची, जो आपके खाने का स्वाद दो गुना बढ़ा दे। चटपटी फ्राई मिर्ची बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, गैस को ऑन कर दिया है। इसके अंदर डालेंगे हम तेल, 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच ही हम इसके अंदर राई डाल देंगे। राई और जीरे को हम अच्छे से तड़कने देंगे। जब राई और जीरा अच्छे से तड़क जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच के करीब हींग। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मिर्ची के अंदर। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, 2 पिंच के करीब ही हम अजवाइन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 बड़े साइज़ का लंबा लंबा प्याज कटा हुआ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची। मैंने 10 हरी मिर्ची ली थी जिसे अच्छे से धोकर लंबा लंबा काट लिया है और मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं, और आप मिर्ची को गोल भी काट सकते हैं। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे तेल के अंदर भून लिया है 2 मिनट तक। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ को मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है, मैंने उसका पाउडर बना लिया है। तो सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मिर्ची के अंदर, और इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत ही अच्छे से इन्हें भून लिया है, आप देख सकते हैं मिर्ची पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। मैंने 1 मिनट तक मिर्ची को भूना है और अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 1 मिनट तक और पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, 1 मिनट हो चुका है, हम मिर्ची को वापस से उलट पलट कर देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लहसुन अदरक का पेस्ट पहले भी डाल सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से स्मेल आएगी तो आप प्याज के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, पर इस तरह मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मिर्ची, खाने में स्वादिष्ट बनती है, तो मैंने थोड़ा बाद में डाला है। अब हम वापस से कवर करके इसे 1 मिनट तक और पका लेंगे। 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी मिर्ची जो है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे, आप इसके अंदर नींबू का रस और या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी हमारी मिर्ची बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस तरह से फ्राई मिर्ची ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, जो आपके खाने के स्वाद को 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।